नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उन सब का उद्धार किस प्रकार होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो सके और मन वांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सब लोगों से बताऊंगा, जिस व्रत को करने से भगवान नारायण जी प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनिए, एक बार की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए धरती लोक में आ गए। इस मृत्यु लोक पर आने के बाद बहुत से योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अब अनेक दुखों से दुखी देखकर सोचा, किस यत्न करने से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक को चले गए और वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र और गदा पद्य थे, गले में वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भूत व भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हैं? आपने संकोच बताए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से बहुत दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हैं, दया रखते हैं, तो बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ और एक अति उत्तम वर्त है। आज मैं प्रेम के वशीभूत होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा। अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है और क्या उसका विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, आप मुझे सब विस्तार से बतला दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, संतान और सौभाग्य को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातःकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मप्रायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से धूप दीप नवेद्य केले का फल शहद
दूध और गेहूं का आटा सवाया ले और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। रात में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर भगवान सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय बिताना चाहिए। इस तरह व्रत करके मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बड़ा बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को बहुत दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए इस धरती पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको जरूर करूँगा, यह अपने मन में निश्चय करके उस रात उसे नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत जो भी मनुष्य करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बहुत जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आ गया और बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करके देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, ब्राह्मण देव, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझको भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर लिया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर बहुत प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, घी और दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला
गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी स्त्री थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। उस नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर बहुत विनय के साथ हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह सब आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह सब बता दीजिए। राजा बोले, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कीजिए, कहिए, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी घर कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस व्रत के करने से मेरे घर संतान जरूर होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को चला गया। वैश्य ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन वैश्य ने अपने ऐसे वचन अपनी स्त्री को कहे कि संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और दसवें महीने में उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बहुत मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा, अब आप उस व्रत को करिए। वह वैसे बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को वह आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और वैश्य ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। वैसे की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिज पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर वैसे ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और वैश्य को श्राप दिया, जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों ने देखा कि चोर घबरा कर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख कर जा रहे हैं जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों उस ससुर जमाई को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ कर लेकर आए हैं, हमें आज्ञा दीजिए क्या करना है। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत ही दुखी हुई। उनके घर
पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से बहुत दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर में आई। माता ने कलावती से पूछा, हे बेटी अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर पर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा कीजिए भगवान। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे राजन तुमने जो दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वे सब निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह वापस कर दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुना दिया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से रिहा कर सभा में बुला लिया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव तुम्हें भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उनको नए नए वस्त्र व आभूषण देकर उनका आदर सत्कार किया और जितना धन लिया था दुगना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी स्वामी वेश धार कर भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु वैसे तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वह वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करके नाव को उठी हुई देखी और अचंभा किया और देखा नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में चले और तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वैसे दंडी स्वामी के पास जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल पड़ा। जब अपने नगर के निकट पहुंच गया तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु वैसे अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपनी बेटी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती माँ के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उस
उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु वैसे बहुत दुखी हुआ। हे बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई और घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक कथा और सुनाता हूँ, सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा अभिमानवश देख कर भी वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप जा पहुँचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से जैसा पहले था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने तक स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होगा और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान मिलती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हो गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्ति की। लक्कड़हारा भील अगले जन्म में गुहु नामक निषाद राज हुआ, जिसने राम के चरणों की सेवा का कर मोक्ष को प्राप्त किया। हरि प्रेमियों, आपको ये भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।